हेलो दोस्तों तो फैक्स अबाउट अगेन वन परसेंट पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन कैश इन जीएसटी अंडर रूल एटी सिक्स बी की बात करें तो मिसकंसेप्शन क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैश पेमेंट जो वन परसेंट ऑफ़ लाइबिलिटी विल क्रिएट ह्यूज बर्डन एंड स्मॉल बिजनेस मैन एंड इट विल इंक्रीज देयर वर्किंग कैपिटल बहुत पैसे उनके रुक जाएंगे ऐसा लोगों का कहना है डिपार्टमेंट का क्या कहना है डिपार्टमेंट का ये कहना है कि द कैश पेमेंट ऑफ वन परसेंट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टैक्स लाइबिलिटी इन अ मंथ एंड नॉट ऑन टर्न ओवर यानी सबसे पहले तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है जल्दी जल्दी में वो लोग टर्न ओवर कैलकुलेट करते हैं टर्न ओवर का वन परसेंट नहीं है डी एफेंस टर्न ओवर पर जो टैक्स आता है उसका वन परसेंट है इनफैक्ट वी कैंड से इट इज़ीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर अगर करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ डीलर हैज़ मेड सेल ऑफ वन करोड़ वन करोड़ का अगर किसी का सेल है उस टैक्स रेट इज ट्वेल्व परसेंट यानी इफ़ इज डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट थ्रू आई टी सी यानी मेजोरिटी तो वो आई टी सी से ही यूज कर रहा है देन ही एज टू पे ओनली ट्वेल्व थाउजेंड अंडर दिस रूल मीन्स वन करोड़ का टर्न ओवर और बारह हजार का टैक्स ऑन द अदर हैंड ए कंपोजिशन डीलर वुड हैव टू पेड वन लेख इन कैश विथ दिस वॉल्यूम ऑफ सेल मीन्स दे आर कंपेरिंग दे आर कंपेयरिंग विद कंपोजिशन डीलर कंपोजिशन डीलर को तो वन परसेंट है तो उसे इससे ज्यादा भय करना पड़ेगा तो आई टी सी नाइन परसेंट लेते हो तो आपको जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट जितना इंपैक्ट आता है तो उतना यूज़ इंपैक्ट नहीं आता है जितना सब लोग कहते हैं ऐसा सी बी आई सी का कहना है ओके डियर फ्रेंड्स रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे बाकी के तीन कंसेप्शन विल कंटिन्यूसली कम एवरी डे इवनिंग नाइन पीएम